तुमने इतनी सारी मेहनत करके खाना बनाया है, इतने सारे डिशेस बनाए, ये लो स्वीट पोटैटो ट्राई करो, एकदम स्टिकी है लिच्छड़ की तरह। ये लो। मेरे बारे में क्या? छोटे बच्चों ने बियर नहीं पीना चाहिए। पर मैं दूध या फिर जूस तो पी सकता हूँ ना, क्या तुम भी? ठीक है, हमारे पास थोड़ा दूध है, तुम ये पी लेना। हाँ बहुत ठंडा है। जरा आराम से। इस सब का हकदार कोई और भी है। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है कामू, चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे हर सिचुएशन में सपोर्ट करती है। और कुछ? मैं इसके बारे में कैसे भूल गई, मुझे थैंक यू कहना था R&D के सारे कलीग्स को। मिस्टर ही भी मुझे फायर नहीं कर पाए क्योंकि मेरी टीम इस कंपनी के कोर टेक्नोलॉजी को संभालती है। इसी बात पर मेरी टीम को भी थैंक यू। और कोई बच गया? नहीं, सारे हो गए। मैं तो बस वेला ही बैठा था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है डिंग यिफिंग ने तुमसे माफी क्यों मांगी? आखिर तुमने डिंग को ये सब बातें क्यों कही? नहीं, वो और तुम्हारा बॉस तुम्हें रिप्लेस करने के लिए बैठे थे, मैं तो बस तुम्हें बचा रहा था। मुझे बचा रहे थे? क्या थैंक यू बोलूं? अब वो डिंग हमारे रिलेशन के बारे में शोर हो जाएगा। लेकिन ये भी तो सच का हिस्सा है। शिंची तुम ये क्या सोचे जा रहे हो? इससे पहले तुमने कहा था कि तुम्हें इसे सीक्रेट रखना है और अब तुम कह रहे हो कि ये सब सच है। तुम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो? देखो मिन्होई, अगर तुम किसी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती तो बात मत करो। मैं ये फिर से कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। नहीं शिंची, पहले ये सिर्फ एक गॉसिप थी इसलिए लोग इसके बारे में जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अब तुमने इसे एक न्यूज बना दिया है। क्या तुम्हें नहीं पता ब्लू जे के CEO के पास कितनी ताकत होती है? ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, इसलिए मैं श्योर हूँ वो इसके बारे में किसी को नहीं कहेगा, और अगर कहेगा तो अपनी नौकरी खो बैठेगा। क्या अब तुम शानचन के सामने मेरे साथ झगड़ा करोगी? नहीं शानचन, हम बस बात कर रहे हैं, बस बातें। तुम इतनी जोर से थोड़ी बात करती हो। ठीक है, फिर मैं धीरे से बात करती हूँ। अगर तुम सही भी हो, मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे कैसे फेस करूंगी? मैंने कहा उसे कि मैं पहले तुम में इंटरेस्टेड था, लेकिन जब पता चला कि तुम बोरिंग हो तो मैंने छोड़ दिया। तो तुमने उसे कहा कि तुमने मुझे डम कर दिया? लगभग कुछ ऐसा ही कहा मैंने। छन, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। क्या तुम्हें ये चाहिए? हाँ। मैंने तो झूठा किया हुआ है। तो फिर क्यों दिया मुझे? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मिस्टर शिन, मिस्ट का सेकंड फेज का डेटा बाहर आ गया है। रीडिंग्स अच्छी हैं पिछली बार के डेटा से। हमें लगता है मिस्ट क्लिनिकल यूज के लिए तैयार है। हम पे भरोसा करने के लिए थैंक यू सर। आपका क्या ओपिनियन है मिस्टर शिन? डॉक्टर याओ यहाँ के डायरेक्टर हैं। उनके तजुर्बे पे मुझे भरोसा है। क्लिनिकल टेस्ट पे बढ़ते हैं। That's great. आज हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तुम सबने काफी अच्छा काम किया है। पार्टी मेरी तरफ से होगी। जो अच्छा हुआ तुम आ गए। मिस्टर शिन की तरफ से आज रात मिस्ट के क्लिनिकल यूज की पार्टी है, हम साथ जाएंगे। मेरी मीटिंग है, अब मैं निकलता हूँ। मैं आज रात नहीं जा पाऊंगा। मैं चांचन के लिए कुछ पकाता हूँ, वो काफी दिनों से पूछ रहा था। क्यों ना तुम पार्टी में जाओ, मैं चांचन को पिकअप करता हूँ। मैं भी पार्टी में नहीं जाऊंगी। चांचन को पिक करके फिर ग्रोसरी शॉप भी जाना है। फिर मैं और भी कुछ पकाता हूँ। जरूर। लगता है डॉक्टर जू और मिस मिन काफी करीब है। क्या ऐसा कुछ है जो हमें पता नहीं है? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इतना अच्छा कि तुम उसके बच्चे की देखभाल कर रहे हो। मैं और क्या कर सकता हूँ, आखिरकार चंचन को पिता नहीं है। चलो फिर मैं निकलता हूँ, कुछ इमरजेंसी है मुझे। हाँ। है।
तुम्हारा खाना रेडी हो चुका है चंचन। चलो चलो टेस्ट कर लो। ये जो डैडी तो ब्रेस्ट रिब्स अच्छा बनाते हैं। तुम्हारे लिए और भी है। पर मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। तुम उठा नहीं पा रहे हो, आओ मैं मदद करती हूँ। देखा तुमने, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। तुम वापस कैसे आ गए? मुझे लगा तुम बाहर ही खाओगे। मेरे कलीग्स को डिनर देना मतलब ये नहीं कि उनके साथ बैठकर खाना है। हाँ, मैं वापस आया हूँ मेरे बेटे के साथ बैठकर खाने के लिए। सही कहा ना? इट्स ओके, तुम हमारे साथ खा सकते हो। मैंने काफी खाना बनाया है, मैं और लाता हूँ। जोरोजी, तुमने लास्ट टाइम वो डिश कहाँ रख दी थी? वो वहाँ पर थर्ड शेल्फ में। थर्ड शेल्फ? हाँ। मुझे मिल ही नहीं रही थी। अच्छा है, तुम वहाँ पर बैठो शानचन के साथ। ये तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है ना, उसने रिब्स के लिए तुम्हें कितनी बार पूछा है? डैडी जू के हाथों के रिब्स खाने हैं। लो, ये टेस्ट कर लो, खा के बताओ कैसा है। ओ, ये काफी टेस्टी है। मिस्टर ही कॉल कर रहे हैं। मैंने अभी तक खाया भी नहीं, मुझे कॉल लेना पड़ेगा, बाद में खाती हूँ। हाँ, आराम से, आराम से। तुम इनुई के लिए खाना रख रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी माँ को देखो, वो आज भी ओवरटाइम काम करेगी, इसीलिए मैं सभी में से थोड़ा थोड़ा निकाल रहा हूँ ताकि वो रात को इसे गर्म करके खा सकती है, मतलब उसे रात को खाने में मिलेगा। डैडी जू, तुम इनहुई को बिगाड़ रहे हो ऐसा करके। लेकिन मैं तुम्हें तो स्पॉइल कर सकता हूँ ना। रात के वक्त इतना ऑयली खाना बनाओगी तो मिनहुई का वेट तो गेन होगा ही। मुझे थोड़ा और देना। थैंक यू डैडी जू। शेंचुआन, हाँ? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, किसी और व्यक्ति को अपना पापा नहीं बुलाते। मैं पहले नहीं था तो ठीक था, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ ना, तो उन्हें डैडी मत बुलाना, ठीक है? डैडी जो को भी नहीं बोलना? नहीं। कोई बात नहीं चैन, तुम मुझे जो चाहे बुला सकते हो। पर मुझे तुम्हें डैडी जो ही कहना है। हाँ ठीक है, चलो थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा लो, फिर तुम मेरे जैसे लंबे बनोगे। मुझे बड़ा नहीं बनना, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम बौना कैसे बुला रहे हो? मिस्टर शिन, ये मस्टर्ड फिश ट्राई कर लो, ये आप पर ज्यादा जचेगा, ये खट्टा और हेल्दी है जिसकी आपको ज्यादा जरूरत है। तुमने इतनी सारी मेहनत करके खाना बनाया है, इतने सारे डिशेस बनाए, ये लो स्वीट पोटैटोस ट्राई करो, एकदम स्टिकी है, लिच्चड़ की तरह।